भाई साहब, बारिश तो देखो, खेत हो चुके हैं जलमग्न। और बारिश हुई और मौसम एकदम साफ होने लग पड़ा। और ये हमारा सुंदर सा घर और माता जी अभी हैं अंदर। अभी हम बनाएंगे जाके खाना। आजकल बिल्कुल भी ऐसा बोल दो कि बाहर जाने का टाइम भी नहीं लग रहा। मम्मू, क्या कर रहे हो? देखो कितना सुंदर है यहाँ पे नज़ारा। चलो तो अभी हम बनाएंगे जाके खाना और मिलते हैं आपके साथ किचन के अंदर। किचन तो अंदर ही है लेकिन अभी जाएंगे हम वहाँ पे। तो अभी हम किचन में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आज बनेगा मम्मू पुलाव। मम्मू पुलाव नहीं, मम्मी बनाएगी पुलाव। हमने फटाफट से यहाँ पे कुछ काम कर दिया, कुछ बचा हुआ मम्मी कर रही हैं। तड़का क्यों लगाना है तुम्हें? तड़का क्यों चीर रहा? ऐसे ही टेस्ट तो नहीं लगे। क्या क्या डाला इसमें पहले बता। इसमें रोंग डाले, आलू डाले, सब कुछ और मटर मसाला। रोंग डाल दिए, आलू डाल दिए, चावल भी डाल दिए। अब जो मैंने यहाँ पे तड़का छीला है इसको भी ऐसे डाल देना है। इसको भी ऐसे डाल देंगे भाई। ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कभी। हमें तो एक ही आता है कि पहले तड़का लगाओ फिर बाद में करो। इन्हें भी हुआ। तो आज हमने नई टेक्निक सीख ली खिचड़ी खिचड़ी बनाने की। रोज बोर हुई ये ना पत्ता खाई खाई, पत्ता दाली सब्जी खाई खाई ने। आज मम्मी बोले कुछ नया ट्राई करते हैं। ए रही है मम्मी, ए रही है। तो मैं बोले मेरे प्याज जरा कोई ना कदर ही नहीं कीती है ना। सब्जी भी इसको बोलते हैं होम साइंस। होम साइंस बोल रहे हैं। होम साइंस का मतलब होता है कि आप अगर आपके पास कोई बेस्ट खाना बचा हो, बेस्ट तो नहीं बोल देना, थोड़ा बहुत दिन का बचा हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है होम साइंस। होम साइंस यानी घर की साइंस। और बारिश का नज़ारा तो हमने आपको दिखा दिया, दोबारा से देख लो। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है बाहर। वाओ कितना बढ़िया लगा था इतने मम्मी दिखने हो। इस टाइम में लाल लगी जी छाई गिरी खेत पांच लाल लगी यो लंग कल की रे आ गई रिश्ते मंदी होनी। मंदी मतलब वेड़ी बरखा होनी। कल वेड़ी बरखा होनी चेतन रहनो। ओ एक दो घंटे ही करती, एक दो घंटे में थोड़ी जी देर। और दिखा डॉग ही क्या टोला दा है बीच। इस बेचारे रे पैर दस ही जाई कर दे, इसको कुछ समझ नहीं आता। कोई खुणवाइया लग रहा मम्मी डॉग ही। ये ना टोली करदा कुछ की उत्थी, ये ढूंढ रहा होगा वहाँ पे कुछ। चलो कोई बात नहीं, अब हम खाना बनने का वेट करते हैं और खाने का लेते हैं फिर लुत्फ। अभी कितना टाइम हो गया? टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30। तो यहाँ पे इसको करेंगे बंद, थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर हमारी खिचड़ी बन के हो जाएगी रेडी। तो बोलो जोर से बोलो अरे खिचड़ी महादेव नहीं, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय श्री राम। राधे राधे, जब भी गुस्सा आए तो बोलो राधे राधे। गोलू से सीखो शांत रहना। ना कमाएंगे और शांत रहेंगे। हो 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 सभी को लेंगे। अरे शांति सबसे बड़ी हुई, शांत रहना। गुस्सा फटिया हो जाता है कभी कभी। गुस्सा होना भी नॉर्मल है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, इट मीन मैं एबनॉर्मल हूँ, मैं पागल हूँ, इसका मतलब है ना। गुस्सा सभी को आता है, सभी को गुस्सा आता है, आना भी चाहिए गुस्सा। नॉर्मल चीज़ हो गुस्सा आना, है ना। चलो जय श्री राम।